भरतपुर जिला स्थित पहाड़ी नांगल क्रेशर जोन के थोलेट पहाड़ में खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। खननकर्ताओं ने इसका विरोध कर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। खननकर्ताओं ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी और उन्हें सचेत रहने का कहा। खननकर्ताओं का कहना है कि वो अगर अपने कर्तव्यों से बाज नहीं आए तो ग्रामीण उनके कपड़े तक फाड़ देंगे। क्योंकि एसएमई का पद यहाँ संभाल रहा है और करीब करीब इसको 8 वर्ष के करीब यहाँ हो गए। बार बार ट्रांसफर करा कर को यहाँ आता है और यहाँ से मोटी रकम वसूल करता है जो कि सरकार के बहुत भारी चूना लगा रहा है। इसलिए आज ग्रामीण एवं लीज करता वैध खननकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनकी मशीनों पर जो कल कार्रवाई की गई है वह बहुत एक नाजुक कार्रवाई की गई है। प्लांटों से ब्रेकडाउन मशीनों को लेकर या लीजों से जो धोलेट के अंदर 4-5 मशीनों को पकड़ा गया है वो लीजों में पहुंच के मशीनों को पकड़ा गया है, जबकि हमें चाहिए हमारी लीज की नाप तोल होनी चाहिए। एक ही लीज होल्डर उसके लिए कार्रवाई की जाए और लीज वाले के साथ अन्यथा दोबारा ऐसी कार्रवाई हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। और प्रताप मीणा को मैं बोलना चाहता हूँ साफ साफ अल्फाजों में, यदि यहाँ के ग्रामीण बिल्कुल आक्रोश हो चुके हैं, गुस्से में हो चुके हैं, आपके कपड़े फट जाएंगे, आपके हालात खराब हो जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार आपने यहाँ किया तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ग्रामीणों पर। ये मेरा बड़े अधिकारियों से सबसे निवेदन है। हमारे यहाँ पर करीब 8 साल से प्रताप मीणा जी कार्यरत हैं और वो यहाँ का काम काज संभाल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ अभी हाल में ग्रामीणों में वो ड्राइवर भी मौजूद हैं जिनसे वो 1000 रुपये या 300 रुपये ट्रैक्टर पर वसूल करता है और ओवरलोडिंग को बढ़ावा देता है। इस तरह से ओवरलोडिंग को बढ़ावा देंगे या अवैध कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देंगे तो हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास इनके सबूत के तौर पर और हर चीज़ हमारे पास मौजूद है जो हम कार्रवाई होने पर पेश करते हैं। तो हम जिला कलेक्टर महोदय को भेज रहे हैं और जो भी जाँच होगी उनके निर्देशन खनिज विभाग के खिलाफ़।